इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करने वाले हैं कैलकुलस के ऊपर। ठीक है, किस चीज के ऊपर बात करेंगे? कैलकुलस, क्योंकि ये आपको पढ़ना होता है जनरली 12th में। ठीक है, जनरली आप किस में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं, लेकिन 11th स्टार्टिंग में आपको पढ़ना कंपलसरी है, उतना जितना कि फिजिक्स में आपको चाहिए। और फिजिक्स का बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसी चीज है जो बिना कैलकुलस के आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कैलकुलस का उतना हम लोग पढ़ेंगे, और उससे ज्यादा आप पढ़िएगा किस में? मैथ्स में। और किस क्लास में? 12th में। लेकिन यहां हम लोग उसको समझेंगे, और काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कैलकुलस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और बेसिक से समझाएंगे, और गारंटी देते हैं एकदम जहनों तक बात उतरेगी और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ऐसा कि किसी को भी तुम समझाने लायक रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैलकुलस। तो टॉपिक है हमारा कैलकुलस, तो हेडिंग डाल देते हैं कैलकुलस। ठीक है, क्या है ये कैलकुलस? कैलकुलस एक्चुअली में है क्या? तो मैथ्स है। और मैथमेटिक्स क्या है? तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स किसका? हालांकि दोनों अलग है, मैथमेटिक्स अलग है और फिजिक्स अलग है, लेकिन बिना फिजिक्स, बिना मैथ्स के फिजिक्स समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, मैथ्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? कैलकुलस की। तो कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। किसका ब्रांच है? मैथ्स का। किसका ब्रांच? मैथ्स का। विच इज यूज्ड टू फाइंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टेंटेनियस रेट। पूरी फील के साथ पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और कैलकुलस, फील आएगा कि इसका फिजिक्स में क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस ये रखता है, और क्यों इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी स्टडी फिजिक्स में, एकदम फील के साथ समझेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ये मैथ्स का एक ब्रांच है, जिसको यूज करते हैं क्या फाइंड करने के लिए? इंस्टेंटेनियस रेट। कैलकुलस के अंदर दो चीजें, ठीक है, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या इतना में दिक्कत है? बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं? कैलकुलस। क्या पढ़ने से पहले पढ़ रहे हैं? तो काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले। काइनेमेटिक्स एक्चुअली में आपका मोशन है, जिसको हम लोग मोशन की स्टडी वो बताएंगे कि काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो ये ब्रांच है फिजिक्स का, इसमें क्या होता है, तो मोशन को हम लोग पढ़ते हैं, वो भी बिना कॉज को जाने हुए। ठीक है, फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि पूरा चैप्टर 3 है आपका एनसीईआरटी वाइज, और फिर उसके बाद मोशन इन ए प्लेन, जो 2D है, जो आपका चैप्टर 4 है। तो वो सब पढ़ने से पहले ये जरूरी है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स का लैंग्वेज है, कैलकुलस ब्रांच है मैथ्स का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। कैलकुलस के अंदर कितनी चीजें? दो चीजें, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है इतना में? अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, तो इसको समझने से पहले बात करते हैं सम बेसिक टर्म्स, सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कैलकुलस। कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं ताकि हमको कैलकुलस और अच्छे से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत इतना में? अब देखिए, सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक और फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटी। क्या है ये? क्वांटिटी। क्वांटिटी किसे कहते हैं?
क्वांटिटी कहते हैं विच कैन बी क्या कर सके, मेजर कर सके, जिसको हम मेजर कर सके वो क्या है, क्वांटिटी। कोई दिक्कत है तब, जिसको हम मेजर कर सके वो क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, उमेश नहीं बोल रहा है, और जफर का नाम भी लेना है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी दो होता है। आगे क्या होगा बताओ तो, कंसर्न, कंसर्न, कंस्टिट्यूशन, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। क्या होगा बताइए, रिक्त स्थानों को भरे, कॉन्स्टेंट, दूसरा क्या होगा, कॉन्स्टेंट का जुड़वा भाई कौन है, जुड़वा नहीं लेकिन भाई है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, क्या इतने में दिक्कत है, क्या आपको दिक्कत है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। कॉन्स्टेंट किसको कहते हैं, जो फिक्स्ड हो, विच इज फिक्स्ड। तो जो फिक्स्ड होगा, एग्जाम्पल क्या है उसका, एक दो तीन डॉट 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 कुछ भी, और वेरिएबल जो फिक्स्ड नहीं, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है, विच इज नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, क्या इस दो में आपको कंफ्यूजन है कि कॉन्स्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। इसका टाइप होता है, कॉन्स्टेंट का दो टाइप, एक होता है टेम्पोररी, टेम्पोररी कॉन्स्टेंट, और एक होता है परमानेंट कॉन्स्टेंट। एक क्या होता है टेम्पोररी कॉन्स्टेंट, और एक क्या होता है परमानेंट कॉन्स्टेंट। तो टेम्पोररी कॉन्स्टेंट क्या होता है, मतलब कुछ लम्हे के लिए वो क्या हो, कॉन्स्टेंट। जैसे मान लीजिए कि अभी दूध का दाम कितना है, फुल क्रीम लीजिएगा अगर 50-49 चल रहा है ना, तो 50-49 है, पेट्रोल का दाम कितना है, 107 है, यहाँ 107.98 है, तो वही 108 मान, ये 108 पूरी जिंदगी रहेगा, बुढ़ारी बुढ़ा जाओगे तब भी उतना ही रहेगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इलेक्शन आएगा तो घट जाएगा, इलेक्शन खत्म तो बढ़ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, कुछ वक्त के लिए फिक्स्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्या टेम्पोररी कॉन्स्टेंट में दिक्कत है आपको, दूसरा क्या है परमानेंट कॉन्स्टेंट, जो हमेशा है, मतलब पैदा हुए और सुने और अभी तक वही है, और मरने से पहले जब सुनोगे तो वही रहेगा, उसका एग्जाम्पल क्या है। पहली बार देखे थे इसको, नो सर, पहली बार इसको देखे थे तो मन में कुछ नहीं हुआ होगा, दिल में हुआ होगा, क्योंकि पाई है, तो पाई देखे तो क्या वैल्यू मिला, 22/7, 22/7 था। अभी भी वैल्यू डालते हो 3.14 भाग दोगे तो उतना, अभी भी कितना डालते हो, उतना ही डालते हो, मरने से पहले वसीयत पे पाई लिखोगे तो कितना डालोगे, 22/7। तो क्या ये चेंज हुआ, नहीं हुआ, ये परमानेंट। बात समझ में आ रही, हाँ पार्ले जी पे जो वो बुढ़ी हो गई है वैसे, ठीक है, क्या इतना में दिक्कत है। अब आया क्या, वेरिएबल, वेरिएबल में दो चीज, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोले तो मेरी मर्जी, इंडिपेंडेंट बोले तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे जफर का वो वाला वीडियो वायरल कर दूं, मेरी मर्जी। दूसरा डिपेंडेंट,
जबर कहेगा तेरी मर्जी, बात समझ में आ रही है, मेरी मर्जी और तेरी मर्जी, कोई दिक्कत इतना में, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, बात समझ में आ रही है। अब यहां तक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और पूरा जो कैलकुलस है वो किस पर बेस्ड है? वेरिएबल पर। मतलब यहां से जो अब हम आगे बढ़ेंगे तो वो किसको उठाकर आगे बढ़ेंगे? वेरिएबल। इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी वहां अभी हम क्या बता रहे हैं, बेसिक टर्म्स, तो यहां ये सब समझ लोगे तब ना यहां पहुंचेंगे। ये फाइंड होता है ये, लेकिन ये समझने के लिए आपको जो बेसिक बता रहे हैं वो जरूरी है। जब ये बता लेंगे फिर उसके बाद ये बताएंगे तो आप कहिएगा कि ओ ये तो वही चीज, और एकदम फील के साथ आप समझिएगा, इसके साथ समझिएगा एकदम फील के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब इसके बाद देखिए, टेम्प्रोरी परमानेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, कोई दिक्कत है इतना में? अब मेरी मर्जी और तेरी मर्जी भी हो गया। तो वेरिएबल में दो है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल से इसको समझे अगर, तो मान लो किसी शहर का भाड़ा, भाड़ा मतलब जानते हो ना, भाड़ा मतलब, भाड़ा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेयर। अच्छा फेयर बोलते हैं ना, भाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेयर। और एक फेयर होता है जो लगाते हो गए फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली। तो फेयर एंड हैंडसम और फेयर एंड लवली जो होता है उसका स्पेलिंग क्या है? यही है एफ ए आई आर। इस फेयर का मतलब क्या होता है? घोड़ा होना। इस फेयर का मतलब क्या होता है? और इसी फेयर का एक और मतलब होता है मेला। और एक फेयर है उसका मतलब क्या है? भाड़ा। अच्छा इसमें से फियर बोलते हैं उसको, तो अलग ट्रैक पकड़ लिया। तुम कौन साबुन से नहाते हो? वाइल्ड स्टोन। तुम लाइफ बॉय, वही साबुन हम ढूंढ रहे थे। लाइफ बॉय का स्पेलिंग बताओ, ई क्या है? लाइफ बॉय का स्पेलिंग बताओ, एल यू वी ए वाई। लाइफ बॉय का स्पेलिंग क्या है बताइए? लाइफ बॉय, यही स्पेलिंग है। क्या है लाइफ बॉय का स्पेलिंग? लाइफ बी यू ओ या बी ओ यू वाई। बी ओ यू वाई ये होता है स्पेलिंग, ये स्पेलिंग नहीं। अब देखो, अब तुम कहोगे कि इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, ये इसका मतलब क्या है? ये एक मुद्दा है। बी यू पहले सही था, बी यू ओ वाई। अब देखो लाइफ बॉय, अब इसका स्पेलिंग लगाता है लेकिन उसको स्पेलिंग नहीं मालूम है। इसका तो आपको लग रहा होगा कि हाँ लाइफ मतलब जिंदगी और लड़का लड़के की जिंदगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो अब इसका मतलब समझो, जूनियर क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आयोगे, ऐसे इसमें भी इलेवेंथ में पढ़ना है तुमको। जब आप पानी में जाते हैं तो आपको फील होता होगा कि पानी आपको ऊपर ढकेल रहा है। पानी क्या कर रहा है? उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बोयेंसी। नाम सुने हो कभी? अपथ्रस्ट है ना, फोर्स ऑफ बोयेंसी। उसी बोयेंसी का बी ओ यू बी यू ओ वाई यहां यूज किया गया। इसी में एन ए एन सी वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बोयेंसी हो जाएगा। मतलब इस प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जब आप लाइफ बॉय साबुन से नहा लीजिएगा तो आपकी जिंदगी इतनी अंदर से तरोताजा हो जाएगी कि आप उछलने लगेगा जैसे पानी में आप उछलते हैं। मतलब खुद को एकदम तरोताजा, एनर्जेटिक और भागदौड़ फील कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहा के फिर चलेगा सोने, बात समझ में आ रही? तो कंपनी ने इसलिए ये नाम, और नाम के पीछे ये लॉजिक है। अगर मान लो लाइफ बॉय हो जाता तो खाली लड़का सब यूज करता,
वो भी लड़का यूज करता है, तो फिर उसको एक नया निकाल लाइफ गार्ड, तो फिर वहां उसका प्रोडक्ट सीमित हो जाता है बॉय और गर्ल में, बूढ़ा लोग यूज नहीं करता, तो फिर आता लाइफ बुढ़ाऊ। बात समझ में आ रही है? तो इस नाम के पीछे का कहानी समझ में आया, वो फेयर फेयर आया था इसलिए ये बताया है। हालांकि चलिए, किसी भी शहर का भाड़ा किस चीज पर निर्भर करेगा? डिस्टेंस पर। गुड्स किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर। तो फेयर डिपेंड्स अपॉन, अभी जो बता रहे हो एकदम मैथ्स में भी आपको समझ में आएगा, फेयर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। फेयर डिपेंड्स अपॉन किस पर? डिस्टेंस। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? मेरी मर्जी किसकी और तेरी मर्जी किसकी? फेयर तो आपकी इंडिपेंडेंट है। फेयर इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। जितना आपको जाना हो तो आपके ऊपर है। कभी कभी मान लीजिए वो कटिंग डिवाइडर का एक कटिंग छूट गया, तो फिर आगे अगला कटिंग से घुमाना तो भाड़ा तो बढ़ जाएगा फिर। तो इंडिपेंडेंट कौन है? डिस्टेंस। और डिपेंडेंट कौन है? फेयर। इंडिपेंडेंट कौन है? डिस्टेंस। और डिपेंडेंट कौन है? इसका मतलब फेयर, तो इसी बात को लिख दिए, ये है आपका डिपेंडेंट, तेरी मर्जी, और ये बोलेगा मेरी मर्जी, इंडिपेंडेंट। तो हम इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फेयर डिपेंड्स अपॉन को हम लोग एक और टर्म से लिखते हैं, जो होता है फेयर इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। मतलब कहीं भी फंक्शन ऑफ लिखा रहे समझ जाइए उसका मतलब क्या है, डिपेंड्स अपॉन। बात समझ में आ रही? जैसे मान लीजिए आप पापा के साथ अपने कहीं गए घूमने, और आप फुल एकदम कि हाँ 4 दिन घूम के आएंगे, लेकिन उनको कोई फोन आ गया 1 दिन में लौट रहे हैं, तो मेरी मर्जी किसकी यहाँ पर? आपके अब्बा की। और नहीं, हाँ मेरी मर्जी। और तेरी मर्जी किसकी? आपकी। अब मजबूरन आपको क्या करना पड़ रहा है? लौटना पड़ रहा है। इसका मतलब कि आप डिपेंड्स कर रहे हैं किस पर? योर फादर। इसका मतलब आप इज फंक्शन ऑफ योर फादर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? अच्छा, मियाँ बीवी में किस किसकी मर्जी चलती है ये बताइए। अभी शादी हुई नहीं है, फिर भी एक्सपीरियंस। आप कितने बड़े अंबानी कहने रखिए, वो कितना वो अंबानी रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बेलन जहां देख लिया तो फिर। तो फेयर इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो फंक्शन ऑफ का मतलब क्या है, समझ में आ रही बात? डिपेंड्स अपॉन को ही दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम? फंक्शन ऑफ। अब ध्यान से, अब इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो फेयर इज मतलब क्या होता है? बराबर। इज मतलब क्या हुआ? बराबर। और फंक्शन को पूरा लिख दीजिए। ऑफ का मतलब क्या होता है? बोर्ड मास में पढ़े होंगे, मल्टीप्लाई का, और ब्रैकेट में किसको डाल दीजिए? डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कि फेयर को मान लेते हैं हम वाई, फेयर को क्या मान लिए? वाई। और डिस्टेंस को क्या मान लिए? एक्स। तो हम लिख सकते हैं वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको हम और छोटा करें तो हम क्या लिख सकते हैं? वाई बराबर फंक्शन का सिर्फ क्या लिखें? एफ। क्या मैथ्स में ऐसा लिखा हुआ मिलता है तुमको? तुम देख के घबरा जाते हो, कह रही ये क्या दे दिया। बताओ क्या मैथ्स में ऐसा लिखा हुआ मिलता है? तुम बेचैन हो जाते हो। क्या वो बेचैनी दूर हो गई? बात समझ में आ गई? वाई बराबर क्या आ गया? वो अलग अलग फंक्शन रहेगा। ये वाई बराबर कहीं भी एफ एक्स अगर मिले लिखा हुआ तो आप घबराना है क्या? क्या आपको घबराना है? क्या तुम लोगों को घबराना है? इधर से इधर करते कंफ्यूज हो जाते। नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना, फंक्शन का कहानी समझ में आए। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके नोट कर लीजिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और पॉज करके नोट कीजिए फटाक से। चलो देखो क्या मिला हम लोगों को, y इज इक्वल टू
fx, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, fx. अब जब y इज इक्वल टू fx मिला है तो ये कुछ इस तरह दिया रहेगा, y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर. ये तो इससे हमको ये मालूम चल रहा है कि y x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है. इसको और अच्छे से कर देते हैं कि इससे क्या पता चल रहा है कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है. बात समझ में आ रही है, इस एक्सप्रेशन से मालूम चल रहा है कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है. लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई एक्सप्रेशन दिया रहे, एक्सप्रेशन दिया रहे, तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एक्सप्रेशन आपका अलजेब्रिक हो सकता है, एक्सप्रेशन आपका पावर वाला हो सकता है, एक्सप्रेशन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा. तो ये जो दिया रहेगा ये आपको बताएगा कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, और ये बताएगा ये कि किस तरह डिपेंड कर रहा है. बात समझ में आ रही, ये बताएगा कि किस तरह डिपेंड कर रहा है. तो जब आपको मालूम हो जाएगा कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, और ये भी मालूम हो जाएगा कि किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो फिर आप उसका कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा. अगर मान लो अलजेब्रा है, तो आप कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर फंक्शन दे दिया कि क्यों कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, आपको मालूम हो गया और किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो अलजेब्रिकली डिपेंड कर रहा है. तो अब आप उसका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो वो किस बेसिस पर कीजिएगा, अलजेब्रिकली कीजिएगा. और जब अलजेब्रिकली कीजिएगा तो फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व. बात समझ में आ रही है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो की पॉइंट है वो यही है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन है और क्या बोल रहा है, किस और किस तरह बोल रहा है. जिस तरह बोल रहा है उसको उठा लीजिए, और फिर लेकिन उसका आपको नॉलेज होना चाहिए. अलजेब्रा आप पढ़ के आए, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के आए, दसवां में और इलेवेंथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है मैथ्स में, है ना, और बेसिक मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है, ठीक है. तो सारी चीज मतलब कि जो बेसिक मैथ, ये सब किस में आता है, ये सब आता है आपका बेसिक मैथ्स में, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स. और बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स का हर एक लेक्चर प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें मिल जाएगा. वो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं. अगर कोई भी पोर्शन आपका छोटा है या आपने नहीं पढ़ा है, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं. तो इतना में कोई दिक्कत, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, कौन किस पर डिपेंड करेगा और किस तरह. अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लीजिए. एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिया हुआ है वाई बराबर क्या है, वाई किसका फंक्शन है, x. मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट, y क्या है, डिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट है. और आपको दिया रहे कि y बराबर दिया हुआ है मान लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब ध्यान से बताओ ये क्या है, अलजेब्रा है, मतलब अलजेब्रिकली डिपेंड कर रहा है. तो y fx है, और y बराबर तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या ऐसे नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं y बराबर fx और y इसके बराबर, लेकिन y ये है तो हम y की जगह ये पुट कर दिए. अब आपसे कहा जाएगा कि f1 निकालिए, नहीं निकाल सकते आप f1, ऐसा आप पॉलिनोमियल किए होंगे दसवां क्लास में. f1 यहां 1 पुट करो, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, 1. तो 1 पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 डाल के बनाओ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, 7.
सेवन होगा ना जी, दो का थ्री डालो, अब बताओ तुम लोग बताओ कितना होगा। तीन तिहाई नौ, तीन बारह और एक तेरह, दस बताओ। कितना होगा 111। कोई दिक्कत है इतना? तो ये आपका अलजेब्रा वाला है, उसी तरह आपको मिलेगा कैसा देखो, y बराबर एफ एक्स और y बराबर दिया हुआ है साइन x। अब ये कैसा फंक्शन आ गया, साइन कैसा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया। कैसा आ गया? अब ट्रिग्नोमेट्री आ गया है तो इसमें कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है बताओ। वाई डिपेंडेंट और तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो यहां वन टू नहीं डालेंगे, यहां हम क्या डालेंगे, पाई बाई टू, मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, वन। तो साइन पाई बाई टू वन हो गया। एफ बराबर पाई तो कितना हो जाएगा, साइन पाई, तो साइन 180 कितना होता है जी। तो किस तरह से ये बन रहा है, बात समझ में आ रही है आपको? एक फटाक से मुंह पर हमको बनाकर दिखाओ, वाई एक्स, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी और एफ टी बराबर दिया हुआ है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस फाइव। आप वन पर निकालिए, थ्री पर निकालिए, फाइव पर निकालिए और बताओ फटाक से कितना आएगा। और आप लोग भी बनाइए जल्दी से, बिना वक्त जाया किए बनाते चलिए। ठीक है, F2 आ जाएगा, F3 आ जाएगा 41, ठीक है, और F5 आ जाएगा 155। सबका सेम है, वन डालेंगे, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, वन कितना हो गया सेवन। थ्री का डालेंगे तो तीन तिहाई नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस और नौ कितना हो गया, सत्ताईस और नौ हो गया छत्तीस, छत्तीस और पाँच इकतालीस, 41। फिर ये पाँच डालो तो 125, 50, 25, 125 और 125 और फिर 150, 150 रुपया देगा, 150 और 150 प्लस एक कितना हुआ, सॉरी 150 कितना हो गया। जब भी दिमाग में, जब भी मेरे जुबान पे ये आता है तो फिर हेरा फेरी का वो वाला जूता लेके नहीं जाता ऐसा करके, सेठ कहते हैं 150 रुपया देगा। कोई दिक्कत इतना में? चलिए एक और क्वेश्चन, इधर का नोट किए हो क्या? चलिए तो पॉज कीजिए आप भी और फटाक से पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, यहां पर मान लो के जैसा कि वो फेयर वाले में बात किए तो वो तो भाड़ा था, लेकिन मान लो कुछ ऐसा ऐसा खेल है कि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किस पर, टाइम पर। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किस पर, टाइम पर, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस फंक्शन है किसका, डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ रही बात, फंक्शन टाइम का। डिस्टेंस को मान लेते हैं हम एक्स और टाइम को मान लेते हैं टी, तो एक्स बराबर एफ टी। कोई दिक्कत? एक्स बराबर एफ टी, और ये कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक्स बराबर मान लो टी स्क्वायर प्लस वन, या एक और टर्म जोड़ लो टी प्लस टू, ठीक है। एक्स बराबर इतना आ गया। अब आपसे पूछा गया
कि x बराबर एट t बराबर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड फाइंड x, मतलब इस टाइम पर 2 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, 6 सेकेंड पर उसकी दूरी क्या क्या है। बात समझ में आ रही है इस क्वेश्चन का मतलब। इसको अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा या बुक में देखिएगा तो एक स्टेटमेंट के तौर पर दिया रहेगा कि डिस्टेंस डिपेंड, डिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज गिवेन बाय इतना टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, फाइंड दी डिस्टेंस एट टी बराबर इतना इतना इतना। मतलब आपको 2 सेकेंड पर बताना है दूरी कितनी है, 4 सेकेंड पर बताना है कि दूरी कितनी है, और तो आपको आता है बनाने। अब क्या कीजिएगा, इसमें सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो एफ एक्स यही ना, एफ टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। अब टी कितना पूछ रहा है, टी कितना बोल रहा है, टू, तो टू डालिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 कितना है, 6, 8 मीटर। बात समझ में आ रही, आप इस पर 4 भी निकाल सकते और 6 भी निकाल सकते, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, हाँ अलग अलग पर निकाल लीजिएगा। अब जो समझने की बात है वो क्या है, समझिए। स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था कि कैलकुलस क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो वक्त आ गया है पहले हम किसको समझे, रेट को। रेट समझ लीजिएगा तो फिर हम आपको फील कराएंगे कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। फील करोगे कि इसका क्या, और जब फील हो जाएगा तो फिर तुमको वसीयत में भी यही लिखोगे, इंस्टेंटेनियस। तो सब अब क्या, अभी क्या हम लोग समझते हैं, अभी क्या समझते हैं हम लोग, रेट। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, रेट। तो देखो ध्यान से, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही, मतलब न्यूमिरेटर में किसको डाल रहे हैं हम, जो डिपेंड है, और डेनोमिनेटर में किसको डाल रहे हैं, इंडिपेंड को, मेरी मर्जी वाले को डाल रहे हैं। मतलब ये इस पर निर्भर कर रहा है, ये क्या है, इस पर निर्भर कर रहा है। कोई दिक्कत इतना में, ये बात समझ में आ रही है। अब ये इस पर डिपेंड कर रहा है तो डिस्टेंस को जो हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, एक्स। डिस्टेंस को किससे दिखा रहे हैं, एक्स। टाइम को किससे दिखा, टी से, एक्स अपॉन टी। कोई दिक्कत इतना में, कोई दिक्कत इतना में, एक्स अपॉन टी। अब ध्यान से देखो, टाइम के साथ क्या एक्स चेंज होगा, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि आपको फील हो। 4 पर बताओ तो 4 22 आएगा, देखिए 2 पर 8 है, 4 पर 22 है, इसका मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ये चीज फील हो रही है आपको कि डिस्टेंस के साथ, मतलब टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो उस चेंज को, मतलब अभी तो हम बस क्या लिखे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें एक और चीज जोड़ दीजिए, चेंज इन, बाय चेंज इन। कोई दिक्कत इतना में। अब ये जो चेंज है, इस चेंज को दिखाते हैं हम लोग एक सिंबल से जिसको बोलते हैं डेल्टा। यूनिट और मेजरमेंट में एरर को दिखाते थे डेल्टा, लेकिन अब डेल्टा दिखाएंगे हम किसके लिए, चेंज के लिए। बात समझ में आ रही, पहले सिर्फ क्या लिखे, डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस का एक्स डाल दिए, टाइम का टी, लेकिन अब क्या लिख रहे हैं, चेंज। क्यों चेंज लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि ये अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग डिस्टेंस। साइलेंसर पाओ, दो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अब देखो डेल्टा एक्स, तो चेंज इन टाइम, तो ये क्या हो गया डेल्टा, मतलब चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि चेंज इन डिस्टेंस, ये ऊपर का हो गया, और ये ब्रैकेट डिवाइड के लिए क्या, विथ रेस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी मतलब विथ किसके साथ, चेंज इन
टाइम, क्या कोई दिक्कत है इतना में? अब ये आपको क्या देता है, तो आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ये देता है आपको स्पीड। बात समझ में आ रही है? ये क्या देता है आपको? स्पीड। लेकिन कैसा वाला? एवरेज वाला। मतलब ये जो रेशियो है, इसी को हम लोग, यही एक्चुअली में क्या है, बात समझ में आई? रेट क्या है? यही आपका क्या है, मतलब एक चीज है जो दूसरे पर क्या है, निर्भर करे। बात समझ में आ रही? इसका बेस्ट एग्जांपल, तुम सब्जी लेने जाते हो, घ्यूरा पूछते हो तो बोलता है 40 रुपए पर केजी। फिर तुम पूछते हो बैगन कैसे, तो बोलता है 50 किलो 50 रुपए पर केजी। तो नीचे पर केजी क्या है, सबके लिए, लेकिन ऊपर वाला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब वो डिपेंड कर रहा है अलग अलग वैरायटी पर, इसलिए डिपेंड को किधर रखे, ऊपर रखे, और इंडिपेंडेंट को, कोई दिक्कत इतना में? अब ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट। कोई दिक्कत इतना में? रेट दो तरह का होगा, एक होगा और दूसरा वही जो हम लोग समझेंगे फील के साथ, इंस्टेंटेनियस रेट। कोई दिक्कत इतना में? पहला क्या है, एवरेज रेट, और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो एवरेज क्या है, ये समझ में आई बात आपको? अब ये एवरेज, ये रेट है, और ये रेट कौन सा वाला, एवरेज वाला। अब मान लीजिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी। कोई दिक्कत इतना में? अब ध्यान से देखो, तुमको ये दे दिया, मान लो यही है, तो तुमको चार्ट बनाने आता है, समोसा वाला नहीं, दूसरा वाला, ऐसा काम किए होगे ना, एक में डालो एक्स और एक में डालो टी, है ना, टी को ऊपर लिखते हैं, एक्स को नीचे। टी जब वन डालेंगे तो एक्स कितना होगा, क्या हुआ, बोलो बोलो क्या बोलो, वन डालो यहां कितना होगा, जफर कैलकुलेट करके बैठा हुआ, टू डालो, टू का कितना होगा, थ्री का, बोलो, तीन तिहाई नौ, नौ तीन बारह दो 14, चार पर बोलो, पक्का एकदम, दोनों देखना ही। अब तुमसे पूछेगा फाइंड एवरेज रेट, फाइंड एवरेज रेट या एवरेज स्पीड एट टी बराबर फ्रॉम टी बराबर 2 सेकेंड टू टी बराबर 1 सेकेंड, या मान लो 3 सेकेंड टू, 3 सेकेंड टू कितना, 1 सेकेंड। कोई दिक्कत? ध्यान से समझो, ये बात बता रहे हैं, टी कितना है, 3 सेकेंड, और टी कितना, 3 सेकेंड से कितना के बीच का तुमसे एवरेज पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, ये फॉर्मूला अब यहां हो जाएगा, एक्स कितना पर, 3 पर माइनस एक्स कितना पर, 1 पर बाई टाइम कितना है, 3 माइनस 1। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी? एक्स टू और जो 1 लिखे हैं, ये ब्रैकेट में जो 3 है वो एक्चुअली में बता रहा है कि कितनावे सेकंड का एक्स पूछ रहा है। 3 अगर हम लिखे हैं तो इसका मतलब कि तीसरे सेकंड पर एक्स कितना है, और 1 लिखे हैं तो इसका मतलब कि पहले पर कितना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या दूसरे में 8 है? तू अभी आगे काहे चला जाता है, एक एक बार इतना में दिक्कत है? नो सर।
मुंडी नहीं हिलाना है। इतना में कोई दिक्कत है? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। दुख पीड़ा कष्ट? नो सर। तीन पर, अब देखो तीन पर, टी जब तीन है तो एक्स कितना है? देखो अब समझो, टी कितना है? तीन, तो एक्स कितना? माइनस टी वन है तो एक्स कितना? फोर बाई टू कितना आया? फाइव मीटर। ये एवरेज आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? दुख पीड़ा कष्ट? कोई तकलीफ? कोई तकल्लुफ उकात? ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फटाक से इतना नोट कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।